तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के कोई नए एपिसोड में। तो गाइज पिछली वीडियो में हमने हमारे लिए जो है गाइज ये ट्रेडिंग हॉल बनाए थे। तो गाइज ये मुझे वो हर बुक दे रहा है गाइज जो मेरे को चाहिए एन्चेंटमेंट बुक। तो गाइज मुझे काफ़ी हद तक की बुकें दे रहा है और गाइज मैंने एक और को बना लिया हूँ क्योंकि एक और गाइज स्पॉन हो गया था। यहाँ पे स्पॉन कहाँ हो गया था गाइज, वो बड़ा हो गया था। तो गाइज मैंने उसको एक और बना दिया हूँ अभी। इसको मैंने गाइज सेट करके नहीं रखा हूँ कि मुझे क्या देगा, इसको मैं बाद में कर लूँगा। तो गाइज सबसे पहले मैंने बहुत सारे एमरल्ड इकट्ठा करके रख लिया हूँ। आप देख सकते हैं गाइज मेरी इन्वेंट्री में पूरे एमरल्ड और भी ये थोड़े से ऊपर रखूँ मैं। और तो गाइज अब मेरे को सबसे पहले यहाँ से बुक लेना है और उसके बाद गाइज मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी। जब मैं गाइज एमरल्ड के लिए स्टोन इकट्ठा कर रहा था चलते अपने एंडर साइड वाले, तो गाइज मुझे वहाँ पर कुछ मिला है। तो सबसे पहले गाइज मैं अपने एंचेंट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो गाइज मैंने अपने 40 लेवल तो करके रख लिया हूँ और तो गाइज 40 लेवल से ज़्यादा नहीं हो पाया मेरे पास क्योंकि मैं गाइज बहुत देर तक के टाइटन फार्म पे भी खड़ा रहा। तो गाइज वो एक्सपी फार्म तो है पर उतना अच्छा नहीं है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ आगे चल के मेरे को शायद से गोल्ड एक्सपी फार्म ही बनाना पड़ेगा। तो उसमें गाइज अभी टाइम लगेगा। सबसे पहले गाइज मैं इससे अपने कम से कम उसके लिए ले लेता हूँ आर्मर के लिए। तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है तो गाइज मेरे को 4 प्रोटेक्शन चाहिए। तो मैं जल्दी से गाइज इसे 4 ले लेता हूँ और ये 4 गाइज जेब में ही नहीं आ पाएंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ आर्मर अभी पहन लेता हूँ, मैं वहाँ जाके उसको निकाल लूँगा खट से। गाइज मैं इससे अनब्रेकिंग और वो ले लेता हूँ अपने प्रोटेक्शन। तो गाइज अनब्रेकिंग भी मुझे लगेंगी तो अनब्रेकिंग में देख लेता हूँ कितनी लगेगी मुझे। तो एक इसमें लगी हुई है, इसमें भी है, एक इसके लिए चाहिए और एक इसके लिए चाहिए, 2 चाहिए अभी गाइज आर्मर के लिए। पहले मैं आर्मर पूरा कंप्लीट करता हूँ उसके बाद में मिलता हूँ गाइज आपसे जल्दी जल्दी। तो फाइनली गाइज मैंने अभी प्रोटेक्शन ले लिया हूँ इससे और अनब्रेकिंग भी ले लिया हूँ। तो गाइज सबसे पहले इसमें लगा लेता हूँ अब। तो इसमें गाइज मुझे लगाना है, पहले गाइज मैं बुक को कंबाइन कर लेता हूँ। बुक को कंबाइन करने में गाइज कम लगता है वो। तो ये हो जाएगा गाइज अपने क्या प्रोटेक्शन 4 और प्रोटेक्शन 3। तो मैं इसको ले लेता हूँ और इसको लगा देता हूँ गाइज मैं पेंट में। तो ये तो हो गया गाइज प्रोटेक्शन 3, प्रोटेक्शन 4 और प्रोटेक्शन अनब्रेकिंग 3 हो चुका है। और अब मुझे गाइज ऐसी एक को बुक को कंबाइन करना है। तो ये 4 है वो ले रहा है, मैं इसको अगर चेंज करूँगा तो ये 3 लेगा। और अब मैं इसमें गाइज इसको भी लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइज मेरे 21 लेवल ही बचे हैं अभी और मेरे पास इसमें अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 4 हो चुका है। अब गाइज मुझे इसमें लगाना है प्रोटेक्शन, तो मैं इन सब में प्रोटेक्शन लगा लेता हूँ। तो गाइज अभी के लिए तो गाइज मेरे पास हो चुका है इसमें प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग तो हो चुका है और साथ में गाइज मुझे इसमें लगाना है थ्रोन्स। तो गाइज मैं जल्दी से थ्रोन्स की बुक ले लेता हूँ यहाँ से। तो आई थिंक शायद से मैं थ्रोन्स ना लगा पाऊँ, मैं ट्राई करके देखता हूँ गाइज, जितने में भी लगा पाऊँ उतने तो ले ही लेता हूँ मैं अभी। तो फाइनली गाइज मैंने अपने चेस्ट प्लेट में तो गाइज थ्रोन्स लगा लिया हूँ। तो गाइज इसके साथ मेरी एक्सपी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं गाइज इसमें थ्रोन्स 3 भी लग चुका है और गाइज अब मेरे पास अपने एक्सपी नहीं बचेगी जिससे गाइज मैं इसमें लगा पाऊँगा। तो मैं जल्दी पहले सो जाता हूँ। तो फाइनली गाइज दिन तो हो चुका है और गाइज अब मेरे को थोड़े से यहाँ पर और एक्सपी करनी पड़ेगी। तो गाइज मैं उसको बाद में कर लूँगा, पहले मैं चलता हूँ गाइज आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को क्या चीज़ मिला है। मैंने इसमें गाइज एमरल्ड रख देता हूँ और अपनी बुकें भी इसी में रख देता हूँ अभी। तो अभी सिर्फ एक ही चीज़ में थ्रोन्स हुआ है तो गाइज मैं उसको बाद में और पूरे में कर लूँगा। बाकी चीज़ें मैं अभी इसी में रख देता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। खाना है मेरे पास क्योंकि खाना मैंने गाइज बहुत सारे इकट्ठा किया था। तो अब मैं चलता हूँ गाइज आपको उधर वहाँ लेके जहाँ पे गाइज मुझे कुछ मिला है और वो गाइज मुझे समझ आ चुका है कि वो क्या है क्योंकि उतना बड़ा आई थिंक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है वो भी ज़मीन के उतने नीचे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे गाइज अपना वो मिला था, क्या बोलते हैं, रुइन पोर्टल। तो यहाँ से गाइज मैं इसको रुइन पोर्टल खोला था और सामने गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है फिर से स्टोन ब्रिक्स की वो है पूरी वॉल। तो गाइज इससे आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो सकता है ये चीज़। तो गाइज ये है अपने साइज से स्ट्रॉन्ग होल्ड ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइज स्ट्रॉन्ग होल्ड ही है आप देख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर आ तो गया हूँ, मैंने गाइज टॉर्च लेके तो आया नहीं हूँ और टॉर्च है मेरे पास पर कम है तो मैं इसी को अंदर लेके चलता हूँ वैसे तो अभी। और गाइज अब मैं साथ में देख लेता हूँ यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल सकता है, शायद से मुझे बुक्स मिल जाए बहुत सारी। तो इधर कुछ है नहीं है। और ये घर, ये गाइज मेरे घर के नीचे ही था गाइज, मुझे अभी तक के पता ही नहीं चला इस बारे में। मैंने गाइज शायद से कभी खोदा ही नहीं कि बिल्कुल नीचे जाके मैं खोद लेता हूँ, तो इसी कारण मैंने कभी खोदा ही नहीं है, खोदा ही नहीं गाइज, तो मेरे को पता ही नहीं था। तो यहाँ पे एक स्पोनर भी है
आई थिंक एक स्पूनर है, नहीं है स्पूनर नहीं है। तो इसके चेस्ट में कुछ काम की चीज़ें तो नहीं है जैसे, अभी इसको मैं यहीं रख लेता हूँ। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या मुझे मिलता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली गाइस मुझे ढूंढते ढूंढते स्ट्रॉन्ग होल्ड ही मिल चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं गाइस सामने है। तो मैं अभी गाइस इसको तोड़ देता हूँ जल्दी से, क्योंकि गाइस और स्पॉन हो जाएंगे नहीं तो। और अब जो स्पॉन हुए गाइस उनको मैं मार देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्पॉन हुआ था, नहीं हुआ। तो गाइस मैं इसमें देख लेता हूँ कितनी एंडर आई मेरे को लगेगी। तो इसमें गाइस एक लगी है, मतलब मेरे को 11 एंडर आई वो लगेगी। तो मैं इसको कोऑर्डिनेट नोट कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे। हो सकता है गाइस मैं शायद ऊपर से नीचे खोद के जाऊँगा बिल्कुल सीधे। तो ठीक है गाइस, मैंने कोऑर्डिनेट जो है नोट कर लिया हूँ। और अब मैं चलता हूँ गाइस, यहाँ पे एक लाइब्रेरियन होती है, एक नहीं दो लाइब्रेरियन होती है। तो गाइस मेरे को लाइब्रेरियन ही ढूंढना है, लाइब्रेरी ही ढूंढना है मुझे गाइस। उससे कुछ एन्चेंटमेंट बुकें मिल सकती है। ये खुल क्यों नहीं रही? तो इसके अंदर गाइस मुझे एक एंडर पल भी मिल चुका है और एक स्टोन की सोर्ड है। तो मैं इसको रख लेता हूँ अभी, और चेस्ट भी रख ही लेता हूँ गाइस। क्या करूँगा इसमें यहाँ रख के। तो अब गाइस मुझे लाइब्रेरी ढूंढना है, तो मैं जल्दी से गाइस यहाँ पे लाइब्रेरी ढूंढता हूँ। और उसके अंदर से गाइस मुझे कुछ अच्छी बुकें मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो फाइनली गाइस मुझे यहाँ पे जो है गाइस एक और लाइब्रेरी भी मिल चुकी है। उससे पहले गाइस मैं ये चेस्ट मेरे को मिली थी, तो मैं इसको खोला नहीं था अभी। तो इसमें कुछ काम का तो है नहीं, फालतू सामान है। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, इधर से लाइब्रेरी की तरफ चलता हूँ। मैंने गाइस यहाँ के पूरे मॉब को मार दिया हूँ, और यहाँ पे गाइस मैं टॉर्च लगा देता हूँ कि और स्पॉन ना हो। आई थिंक यहाँ पर और स्पॉन तो नहीं होनी चाहिए फिर। तो इस सोर्ड में गाइस मुझे सिर्फ शार्पनेस 5 और लगाना है, तो ये और अच्छी हो जाएगी सोर्ड मेरी। अभी भी वैसे काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर गाइस यहाँ पे कहीं चेस्ट होती है, तो मुझे वही चेस्ट को ढूंढना है। अब मैं अटक गया इसके ऊपर, आई थिंक हाँ ये रही गाइस चेस्ट। तो इसके अंदर गाइस मुझे एक शार्पनेस 3 की बुक मिली है और एक रेस्पिरेशन 2 की बुक मिली है, पर वो भी शायद से कर्स ऑफ वेनिसिंग के साथ है, तो ये नहीं चाहिए मुझे। और गाइस शायद से ऊपर भी होती है इसमें, तो मैं ऊपर भी जाने वाला हूँ। तो ऊपर जाने के लिए पहले मेरे को रास्ता देखनी पड़ेगी कहीं कहाँ से है। तो मुझे रास्ता भी मिल चुकी है गाइस, और अब मैं चलता हूँ यहाँ से ऊपर। तो मैंने गाइस उस साइड वाली चेस्ट तो निकाल लिया हूँ, इस साइड भी कोई चेस्ट है क्या? नहीं है, एक ही चेस्ट थी, और एक और चेस्ट और होनी चाहिए शायद से यहाँ पे। हाँ तो गाइस एक और चेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि लाइब्रेरी में गाइस दो चेस्ट होती है। तो मेरे को इसको ऊपर का तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही चेस्ट मिलेगी। और मैंने गलती से पूरा सामान ही तोड़ दिया, तो मुझे अपने इन्वेंट्री में चेक करना पड़ेगा। तो ये रेस्पिरेशन की बुक थी गाइस मुझे पहले मिली थी, ये शार्पनेस की मुझे पहले मिली थी, ये प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन मिली है, लॉयल्टी मिली गाइस ट्राइडेंट के लिए, अच्छी बुक है ये। लॉयल्टी दो दो बार है, हाँ दो दो बार लॉयल्टी है, और एक फायर प्रोटेक्शन है, और साथ में लॉयल्टी है मल्टी शॉट भी। तो गाइस ये बुक बेकार है, कोई मतलब की नहीं है ये। तो गाइस मेरे को बुक की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे को बहुत सारी बुकें मिल जाएगी। और अब मुझे देखना है गाइस एक और लाइब्रेरियन क्या मैं यहाँ पे ढूंढ पाऊँगा कि नहीं ढूंढ पाऊँगा, क्योंकि उसको ढूंढना गाइस काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एक को ही ढूंढने में गाइस मुझे अभी आधा घंटा लग चुका है समथिंग। तो गाइस मुझे दूसरी लाइब्रेरी तो मिली नहीं, साथ में गाइस मुझे कुछ एमेथिस के ये मिल चुके हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ इनको भी तोड़ के रख लेता हूँ अपने पास, क्योंकि गाइस ये काम आते हैं, वही जल्दी मिलते भी नहीं है गाइस। कभी मुझे मिले हैं तो मैं इनको रखने वाला हूँ, तो मैं इनको फॉर्चून से ही तोड़ूँगा। पहले मैं टॉर्च लगा देता हूँ गाइस नीचे, नहीं तो अगर कोई मॉब स्पॉन हुआ होगा तो गाइस मुझे मार देगा। मैं इसको जल्दी से गाइस पूरा कलेक्ट करता हूँ जितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे। और मेरे को गाइस इसको थोड़ा देख के तोड़ना है कि मैं वाले ब्लॉक में तोड़ दूँ इसके जिसमें ये होते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे यहाँ से इकट्ठा कर लिया हूँ। अब गाइस मैं इसके यहाँ से ब्लॉक भी बना सकता हूँ ईजिली ऐसे वाले। और तो गाइस मैं इनको ऐसा बना लूँगा तो खुद भी ये ग्रो हो सकते हैं मेरे घर के आसपास ही नहीं। तो अब मैं चलता हूँ गाइस ऊपर, मेरे को एक और लाइब्रेरी तो मिली नहीं, मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ उसको।
तो मैं सोच रहा हूँ गाइज़ मैं अपना रास्ता भी भूल चुका हूँ, मैं कहाँ से आया था क्योंकि मैं इसमें इतना भटक चुका हूँ यहाँ पे अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ गाइज़ कहीं से भी डिक करता हूँ मैं ऊपर की साइड और ऊपर निकल जाता हूँ सीधे। वो पता नहीं मैं कहाँ भी कहीं भी निकल सकता हूँ, पानी में भी निकल सकता हूँ और अपने कैसल के नीचे भी निकल सकता हूँ। तो चले गाइज़ मैं ऊपर ही मिलता हूँ और देखता हूँ गाइज़ कहीं से रास्ता मिल जाए मेरे को ईजी वाली। तो गाइज बस मैं यहाँ से निकलने ही वाला था तो मुझे एक लाइब्रेरी तो दिखी है, पता नहीं वो वाली है कि दूसरी वाली है, तो मैं इसको देख लेता हूँ जल्दी से। मैं फिर अटक गया यहाँ पे, तो यहाँ पर रास्ता नहीं है जाने की वैसे तो। नहीं गाइज ये दूसरी वाली लाइब्रेरी है, तो मैं इसके अंदर भी देख लेता हूँ। मेरे को लगा इसको यार है। तो गाइज ये रेस्पिरेशन है और ये है गाइज अपना प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन पावर, नहीं फायर प्रोटेक्शन 3 गाइस। कोई भी बुक जो है गाइस काम की नहीं है यहाँ पे, और मैं चाहता तो हूँ गाइस सभी बुकों को रखना है यहाँ पे, तो मैं गाइस शायद से नहीं रख पाऊँगा। और आसपास से मोब की आवाज़ आ रही है, मैं यहाँ पे टॉर्च भी लगा देता हूँ शायद में। तो गाइस सच्ची में मोब आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे। तो मैं गेट ही बंद करके आ जाता हूँ ना, कोई आएगा ही नहीं फिर यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे शायद से ऊपर भी एक और होना चाहिए पर यहाँ पे है नहीं, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे होना तो चाहिए था एक और ऊपर में। तो मैं चेक करता हूँ गाइस शायद से ऊपर जाने की यहाँ पे भी रास्ता होगी, आई थिंक नहीं है। तो चलेगा तो मैं सीधे घर पर जाके मिलता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ काम की चीज़ें मिली नहीं है। मैं यहाँ से बुक सेल्फ तो रख सकता हूँ गाइस बहुत सारे, पर बात यही है कि मेरे पास बैग में जगह नहीं है, मेरे पास पूरा बैग भरा हुआ है मेरा यहाँ पे। तो चलेगा तो मैं ऊपर जाके मिलता हूँ सीधे आपसे।